नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोका द स्नैक सेवर पर। और आज हम आपके सामने एक नए सांप के साथ में उपस्थित हैं। यह है रेड सैंड बोवा। नए सांप से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये स्पेशीज पर्यावरण में बहुत कम देखने को मिलती है। अक्सर जो हम सांप देखते हैं वो कोबरा, रेड स्नैक या चेकर्ड किलबैक स्नैक, ये चूँकि हमारे आसपास अधिक से अधिक दिखने वाले सांप है, ये बहुत कम नज़र आता है, शर्मीले नेचर का है। और ये हमने थोड़ी देर पहले ग्राम पामाखेड़ी तहसील पुनासा जिला खंडवा से हमें एक रेस्क्यू के लिए कॉल आया था, जिन्होंने कहा था कि हमारे घर के आसपास एक दो मुहा सांप है, तो हम तुरंत जाकर इसे रेस्क्यू करके अब जंगल में छोड़ने के लिए ले आए हैं। सबसे पहले तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दो मुहा सांप हम इसे कहते ज़रूर हैं, लेकिन असल में इसका एक ही मुँह होता है। आप अच्छे से देख सकते हैं, ये दूसरा मुँह जो है, जिसे हम कहते हैं दूसरा मुंह, असल में वो पूंछ है। पूंछ भी लगभग मुंह के जैसे आकार की होने की वजह से हम इसे दो मुहा सांप कहते हैं। ये सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता और ना ही ये काटने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है इंसानों के लिए, इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब कभी भी हमारे आसपास, घर के आसपास या कहीं बाहर सांप नज़र आए, तो तुरंत किसी स्नैक एक्सपर्ट को या फिर वन विभाग की टीम को आप फ़ोन करके उनके सहायता लेकर इस सांप को रेस्क्यू करने के लिए बुला सकते हैं। बल्कि मारना कोई उचित उपाय नहीं है, क्योंकि सांप हमारे इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है, और पर्यावरण में इन जीवों का बचे रहना बेहद ज़रूरी है। अगर जो हम अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं, तो हमें इन जीवों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे रिलीज़ कर देंगे जंगल में, यही इनका असली घर है। चूँकि बारिश का कारण है कई बार सांप भटकते हुए या फिर भोजन की तलाश में इंसानों के घरों में, बस्तियों में चले आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो बस एक आश्रय के लिए या भोजन के लिए हमारे घर में या आसपास कहीं आपको नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है, और घबरा कर इन्हें किसी प्रकार के नुकसान पहुँचाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य और धीरज रख के इस जीव की जान और स्वयं को निश्चिंत कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अब जंगल में रिलीज़ कर देते हैं।